भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद पर कायरतापूर्ण जानलेवा हमला बहुत ही निंदनीय और दुखद है। योगी आदित्यनाथ के राज में अपराधियों को संरक्षण मिल रहा है, इस हमले को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वक्त आने पर ईंट का जवाब पत्थर से देना भीम सेना और भीम आर्मी जानती है। हम हमलावरों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग करते हैं और हमले में घायल हुए चंद्रशेखर आजाद के जल्द स्वस्थ होने की कामना करते हैं। ये मनुवादी सरकार और ये मनुवादी कान खोल करके सुन ले, हमारा भाईचारा पहले की तरह जिंदा है। भीम आर्मी और भीम सेना संगठन बेशक से अलग हो सकते हैं, लेकिन ये दिलों की दूरियां नहीं हो सकते। ये दो भाई कल भी एक थे और आज भी एक हैं। यदि दूसरे भाई पर कोई संकट आएगा तो ये नवाब सतपाल तंवर बर्दाश्त नहीं करेगा। मनुवादी सरकार और ये मनुवादी कान खोल करके सुन ले, हमारा भाईचारा पहले की तरह जिंदा है। भीम आर्मी और भीम सेना संगठन बेशक से अलग हो सकते हैं, लेकिन ये दिलों की दूरियां नहीं हो सकते। ये दो भाई कल भी एक थे और आज भी एक हैं। यदि दूसरे भाई पर कोई संकट आएगा तो ये नवाब सतपाल तंवर बर्दाश्त नहीं करेगा। क्रांतिकारी जय भीम।